पर्सनालिटी हर एक इंसान की होती है, लेकिन एक बुरी पर्सनालिटी और एक अच्छी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। बुरी पर्सनालिटी वाले इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन जिस इंसान की पर्सनालिटी अच्छी है उसे सब पसंद करते हैं, उसके सब दोस्त बनना चाहते हैं। अच्छी पर्सनालिटी एक गुड क्वालिटीज का कोलाज होता है। सो मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाओगे और लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे भाइयों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गेट गोइंग। पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, जो कि लोगों को नहीं पता और उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे अच्छा बना सकते हो और एक अच्छी पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। टिप नंबर वन है, बी पॉजिटिव ऑलवेज। नेगेटिव इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता, जो दूसरी चीज़ों में नेगेटिव निकालता है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। पॉजिटिव इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, जो दूसरों को एनकरेज करता है। सो आज से ही नेगेटिव सोचना बंद करो, चीज़ों के अंदर कमियां निकालना बंद करो, पॉजिटिव साइड देखो। पॉजिटिव सोचने से पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आता है, एंड हर एक इंसान, मैं, आप, हर कोई एक पॉजिटिव इंसान के आसपास रहना चाहता है। टिप नंबर टू है, बी अ एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है जो इंसान आपके साथ बात कर रहा है, आपको कुछ बात बता रहा है, उसकी बात को ध्यान से सुनना। ये नहीं कि वो आपको अपनी बात बताए जा रहा है, आप फ़ोन में लगे हुए हो, इधर उधर देख रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी आपको कोई इंसान बात बताता है, उसकी बात को ध्यान से सुनो, उसकी बात पे रिएक्ट करो। ये एक अच्छी पर्सनालिटी की निशानी है। अगर आप लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे, उनके उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करोगे, तो अगली बार आपके साथ वो बात नहीं करेंगे, आपके साथ बैठना कम कर देंगे। सो वो सोचेगा कि यार ये इंसान मेरी बात तो सुनता नहीं है, तो मैं इसके साथ क्यों बात करूं। सो माय एडवाइस टू यू, हमेशा जब भी आपके साथ कोई बात करे, उनकी बात को ध्यान से सुनो, रिएक्ट करो। ये सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है और आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे ले जाता है। नंबर थ्री है, बी नॉलेजेबल। जब आप अपडेटेड रहते हो, जब आपको पता होता है दुनियादारी में क्या चल रहा है, जब आपको अच्छी लेवल की नॉलेज होती है, तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई को बहुत नॉलेज है, चल भाई के साथ रहते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप ये सब नॉलेज दुनियादारी में क्या चल रहा है, अपडेटेड कैसे रह सकते हो, रेगुलर न्यूज़ पढ़ो, इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ नया सीखो, कुछ इंटरेस्टिंग सीखो, वो इंटरेस्टिंग लोगों को भी सिखाओ, लोगों से भी सीखो। अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग जानते हो, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, तो लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे और वो आपकी पर्सनालिटी को भी एक नेक्स्ट लेवल देती है। नॉलेजबल का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आपको दुनिया में सब कुछ पता होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि लाइफ में क्या चल रहा है और आप दूसरों को एडवाइस कर सको, अपडेटेड रहो। इसके लिए इंटरनेट काफ़ी है, आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है। सो जो आप इंटरनेट से नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। टिप नंबर फोर कहती है, सपोर्ट अदर्स। अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करो, कोई अच्छा काम करता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट दो, अप्रिशिएट करो। जो कोई परेशान है उनकी हेल्प करो, उनको मोटिवेट करो कि आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हो। ऐसी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अगर आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करोगे, उनके बुरे वक्त में उनकी हेल्प करोगे, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। लोग बोलेंगे चल उस भाई के साथ रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करता है। सो हर एक इंसान को ऐसे वर्ड्स यूज़ करो, गुड जॉब, वेल डन, ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है दूसरे इंसान के लिए, एंड वही इंसान आपको पसंद करना भी स्टार्ट कर देगा। टिप नंबर फाइव है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, हर जगह चाहिए। आपकी लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस की हर एक जगह ज़रूरत पड़ेगी, जॉब में, बिजनेस में, हर एक जगह कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हो। टिप नंबर सिक्स है, बी योरसेल्फ। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, प्लीज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेक शो करते हैं और अपने दोस्तों के सामने टोटली डिफरेंट बिहेव करते हैं।
कभी भी अपनी पर्सनालिटी को अलग मत दिखाओ, आप जैसे हो वैसे ही शो करो, कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फेक मत बनो, ऐसी पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो माय एडवाइस टू यू, आप जैसे हो वैसे दिखाओ, लोग आपको ऑटोमेटिकली पसंद करेंगे। कुछ टाइम बाद लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो फेक इंसान है और फेक इंसान को आज की डेट में कोई पसंद नहीं करता। सो बी योर सेल्फ, कुछ पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से जो अच्छी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।